तो हम दुबई से वापस आ गए। दुबई से याद आया कि आप सभी ने वीडियो दुबई वाला किस किस ने देखा कमेंट करके बताएं, और जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है उन सभी को बताना चाहूँगा। कुछ न्यू दोस्तों आप सभी को जो प्रोवाइड किया जाता है उससे थोड़ा आपका माइंड डाइवर्ट करने की जो कोशिश होती है, क्योंकि दिन भर आप सभी 69,000 को लेकर परेशान तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 69,000 की सोचने और जपने से पिछला 1.5 साल हो चुका है, भर्ती पूरी नहीं हो रही है। तो ऐसे में थोड़ा सा कुछ नया आप सभी को प्रोवाइड किया जाता है, उसको भी आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें, और जाकर के दोस्तों लाइक करें और साथ में कमेंट करके अवश्य बताया करें, क्योंकि आप सभी को कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन अवश्य मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं मुद्दे की बात। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन डब फर्स्ट स्टडी बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डब फर्स्ट स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज 69,000 को लेकर इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं आंसर की को लेकर, NOC वाले मुद्दे को लेकर, पेपर रद्द, और साथ में दोस्तों SC ST सीटों वाला जो मुद्दा है, क्योंकि इसके बारे में लगातार अभ्यर्थी पूछते रहते हैं, तमाम अपने मामलों को लेकर लिखते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जवाब नहीं मिल पाते हैं। और ऐसे भी कुछ अभ्यर्थी हैं जो रेगुलर चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, तो उनको पता ही नहीं चलता कि हमारा मामला सुनवाई हुई है कि नहीं हुई है, सुनवाई होने के बाद में अगली तारीख कौन सी लगी है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर दोस्तों इस वीडियो में आप सभी के सारे डाउट कर दूंगा, जितने भी केस लगे 69,000 के अंदर। वहीं दोस्तों अगर बात की कट ऑफ पर फैसला आने के बाद में भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी कि नहीं होगी, साथ में काउंसलिंग नियुक्ति पत्र को लेकर बात करने वाले हैं। दूसरी तरफ दोस्तों MRC मुद्दे को लेकर भी हम बात करेंगे, भर्ती पर स्टेज जो लगा इसके लेकर बात करेंगे, साथ में कट ऑफ 60, 65, 37, 339 सीटों का मुद्दा, और एक दोस्तों सबसे बड़ा जो मुद्दा अभ्यर्थी तरफ से लगातार पूछा जाता है वो है 222 सीटों को जुड़वाने के संबंध में, साथ में जो अन्य मुद्दे उन सभी पर हम इस वीडियो में बात कर लेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहे। ज़्यादा जानकारी आप सभी टेलीग्राम चैनल साथ में वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 69,000 को लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर तमाम जो केस हैं वो लगे हुए, एक एक करके दोस्तों केस कम होंगे, लेकिन धीरे धीरे कम होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। कट ऑफ मुद्दा जल्द दोस्तों समाप्त हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ और भी जो केस लगे, उत्तर कुंजी का जो केस लगा वो 6 तारीख को इसकी सुनवाई होने वाली है, और साथ में पेपर रद्द का मुद्दा, ये भी दोस्तों इसकी भी सुनवाई आपको 6 तारीख को ही देखने के लिए मिलेगी, 6 अगस्त की हम बात करें। NOC को लेकर जो अभ्यर्थी पूछे उनको बताना चाहूँगा कि दोस्तों अगले हफ्ते के लिए बोला गया था, मतलब दोस्तों जो हफ्ता निकल चुका है इसके संबंध में, लेकिन याचिकाओं की तब से लिस्टेड नहीं करवाया गया, इस वजह से अभी तक जो इसकी सुनवाई है वो नहीं हुई है। 1,100-233 मामले को लेकर मैंने आप सभी को बताया कि ST ST की दोस्तों तमाम याचिका लगी हैं, जिसके अंदर तारीख 200 सितंबर की लग चुकी है। एक याचिका की दोस्तों कल की डेट के अंदर सुनवाई थी लेकिन नहीं हो पाई। तो ऐसे में दोस्तों फिलहाल अगर बात करें इस मुद्दे को, मंडे या ट्यूजडे को एक बार फिर से सुनवाई करवा के उम्मीद है कि दोस्तों जल्द से जल्द आपको कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी दोस्तों 4% वाला मुद्दा है, या फिर दोस्तों अगर बात करें जो 20% आरक्षण वाले मुद्दे हैं, जितने भी मुद्दे दोस्तों आरक्षण से संबंधित चाहे वो MRC का क्यों ना हो, इसके संबंध में सरकार की तरफ से जवाब नहीं दिया गया, सरकार का काउंटर नहीं आया है, इस वजह से इसकी जो सुनवाई है वो नहीं हो पा रही है। एक मुद्दा दोस्तों EWS का यहां पे लगा हुआ, जिस पर सरकार का जो काउंटर है वो आ चुका है, लेकिन अभी इस मुद्दे की सुनवाई होगी, मतलब अगले हफ्ते दोस्तों सुनवाई होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपको पता है सरकार की तरफ से ये कहा गया कि जो विज्ञापन आया था उसी समय से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। दूसरी तरफ आपको पता है सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है, मतलब अगर बात करें 60-65 बचाने के लिए, ये कहा गया था कि जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है 2020 के अंदर हुई है, ये याचिकाओं की तरफ से पक्ष रखा गया है। तो ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण आपको सुनवाई देखने के लिए मिलेगी, ओवरलैपिंग का मामला साथ में अन्य जितने भी मामले हैं, जब तक सरकार की तरफ से काउंटर नहीं आएगा तब तक इन पर सुनवाई आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब हम बात दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आने वाला 60-65 या फिर 240-45 के बारे में, जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी को बताया था कि जो आपका फैसला 207 तारीख के बाद में कभी भी आ सकता है, फिलहाल 6 तारीख तक की जो कोजिस्ट है वो दोस्तों जारी हो गई है। ऐसे में उम्मीदें जताई जा रही है अगली जो कोजिस्ट आएगी उसके अंदर आपका मामला देखने के लिए मिल जाएगा। 7 के बाद में 10 तारीख को भी दोस्तों आपका फैसले की उम्मीदें लगी हुई है, लेकिन प्रबल संभावना 7 तारीख की है। ऐसे में दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा, कुछ अभ्यर्थी तरफ से ये भी पूछा जा रहा था कि फैसला दोस्तों अगर किसी कट ऑफ पे आता है, मान लीजिए 60-65 या 40-45 किसी भी कट ऑफ पे देखने के लिए मिलता है, तो ऐसी कौन सी कट ऑफ होगी जहाँ पे दोस्तों सरकार जो भर्ती प्रारंभ करा देगी। मतलब कई अभ्यर्थी तरफ से ये पूछा गया था कि फैसला अगर 40-45 पे आता है तो क्या सरकार भर्ती कराएगी। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ सिंगल बेंच तो है नहीं, ये ना डबल बेंच है, ये सुप्रीम कोर्ट है। अगर यहाँ पर फैसला आता है, फैसला आने के बाद में सरकार चाहे तो क्रिएटिव याचिका, पुनर्विचार याचिका, इस तरीके के दोस्तों मामले आपको देख
देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन अगर मैं जो अभ्यर्थी इस चीज़ को लेकर पूछ रहे थे कि फैसला किसी भी कट ऑफ पर आएगा उसके बाद आपको भर्ती यहाँ पर चालू हो जाएगी, भर्ती फिलहाल अब नहीं रुकेगी 69,000 की। लेकिन इसके अंदर MRC का जो मुद्दा है जिस पर हम आगे बात करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर रहेगा। तो जो अभ्यर्थी फैसले को लेकर पूछ रहे थे मैं उनको समझा दिया है। अब ऐसे में कट ऑफ पर फैसला आने के बाद में भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी कि नहीं होगी, ये सबसे बड़ा यहाँ सवाल देखने के लिए मिलता है, क्योंकि MRC की वजह से मामला गंभीर है। सुबह मैंने आपको MRC के बारे में समझा दिया था, जो कोर्ट का ऑर्डर आया था, लेकिन वो लागू 68,500 के लिए कहा गया था, सरकार ने 68,500 में अभी तक नहीं किया, 69,000 में किया है। इसी को लेकर अभ्यर्थी चाहते हैं कि यहाँ पर MRC सही तरीके से लागू किया जाए, क्योंकि अभ्यर्थी तो अब से लगातार यहाँ पर कहा जा रहा है, और इसी के बारे में पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से जानकारी भी मांगी गई है। तमाम हाईकोर्ट के अंदर जो केसेस है वो भी लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ आपको पता धरना प्रदर्शन भी देखने के लिए मिला है। तो MRC का जो मुद्दा रहेगा काफ़ी ज़्यादा गंभीर रहेगा। बताना चाहूँगा जो अभ्यर्थी बार बार दोस्तों इस सवाल को पूछते हैं भर्ती कब तक पूरी होगी, क्या इस महीने काउंसलिंग हो सकती है या फिर नियुक्ति पत्र मिल सकते हैं, उनको बताना चाहूँगा बिल्कुल उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं कि इसी महीने दोस्तों आपको सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन कुछ दोस्तों ऐसी अड़चनें भी हैं जिसकी वजह से दोस्तों कभी आपको जो थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी को बताया था PH कैटेगरी वाला जो मामला है 4% आरक्षण को लेकर, इनका शासन आदेश पहले ही आ गया था लेकिन सरकार ने यहाँ पर क्यों नहीं दिया है, अभी तक काउंटर नहीं आया है। ऐसे में अगर उसके अंदर कोई बदलाव होता है तभी दोस्तों आपको यहां पे कुछ देखने को मिलेगा। दूसरा मामला दोस्तों आप सभी को मैंने बता दिया कि 250 शिक्षा मित्रों का है, हालांकि इनकी संख्या काफी ज्यादा कम रहेगी, लेकिन सरकार अगर चयन सूची के अंदर बदलाव करती है तो मान के चलिए एक नया विवाद आपको देखने को मिलेगा जो कि सरकार की तरफ से किया जाएगा। बाकी दोस्तों जैसा कि आपको पता प्राप्तांक पूर्णांक वाले अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से भी यहां पर विरोध प्रदर्शन लगातार। तीसरा मुद्दा दोस्तों आपको बताया MRC को लेकर, MRC के बारे में कई बार मैंने आप सभी को बता दिया है, जैसा कि दोस्तों MRC के बारे में सुबह भी बताया था मैंने, अभी भी आप सभी को समझा दी डिटेल के अंदर। तो ऐसे में कहीं नहीं कि दोस्तों MRC की बात करें या फिर दोस्तों अन्य जितने भी मुद्दे लगे हैं, हालांकि कोर्ट के अंदर कोई भी मामला है कभी भी दोस्तों किसी में समस्या हो सकती है, लेकिन जिन मुद्दों की वजह से भर्ती रुक सकती है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इस सवाल को लेकर पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद में भर्ती प्रक्रिया कब तक शुरू हो जाएगी, इस महीने काउंसलिंग नियुक्ति पत्र होगा, तो उनके बारे में बताना चाहूंगा बिल्कुल उम्मीदें ऐसी हैं कि इस महीने मामला यहां से निस्तारित हो जाएगा, ज्यादा आपको फिलहाल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो मुद्दे लगे हुए वो काफी ज्यादा गंभीर हैं। MRC के बारे में मैंने कई बार कहा है सरकार की तरफ से इस बात के बारे में समझाने की जो कोशिश की है कि यहाँ पर सरकार जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डाटा क्लियर कर देती है, क्योंकि आपको पता है एक तरफ मामला लटका हुआ है, दूसरी तरफ दोस्तों अगर हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई होती है या फिर पिछड़ा वर्ग आयोग के अंदर दोस्तों सुनवाई देखने के लिए मिल जाती है तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ से जो राहत है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन होगा तभी जब सरकार की तरफ से डाटा दिया जाएगा या फिर काउंटर फाइल होगा। MRC के संबंध में अभ्यर्थी तरफ से एजेंसी फाइल की गई है, उम्मीद है दोस्तों जल्द आपको एक अगली सुनवाई भी देखने के लिए मिलेगी, और उस संबंध में अगर बात करें कोर्ट के द्वारा ये मांग रखी जाएगी कि जल्दी से जल्दी सरकार इस पर काउंटर फाइल करे जिससे कि आगामी समय के अंदर मामला यहाँ से निस्तारित हो जाए। तो MRC मुद्दे के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया। बाकी दोस्तों आपको पता है कि भर्ती प्रक्रिया पे स्टे लगा है जो कि पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से लगाया गया है, ऐसे में अधिकारियों की तरफ से क्या कहा गया उसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दूसरी तरफ आयोग की तरफ से स्टे रहेगा और भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, बिल्कुल नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एक नया विवाद आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ऐसे में जब तक दोस्तों MRC मुद्दा क्लियर नहीं होगा ये कह पाना मुश्किल रहेगा कि नियुक्ति और काउंसलिंग संपन्न हो जाएगी सही तरीके से, क्योंकि यहाँ पे जो मुद्दा दोस्तों आपको MRC का देखने मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है, क्योंकि आरक्षण नियमावली को लेकर अभ्यर्थी तरफ से जो चैलेंज है वो किया गया है और पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से तो आपको बताइए पूरा डाटा मांग लिया। तो ये तो दोस्तों बात हो जाती है MRC मुद्दे के बारे में। वहीं दोस्तों अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर 60, 65, 37 या 339 के मामले के बारे में, जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी को यहाँ पे बताया कि कट ऑफ 60, 65 के बारे में तमाम दोस्तों आपको साक्ष्य देखने मिले, तमाम आपको बहस भी देखने के लिए मिली है, लेकिन अभ्यर्थी कहीं ना कहीं दिन रोज एक ही सवाल को पूछते हुए दिखाई देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला क्या आएगा, 37 या सीटें क्या रिजर्व ही रहेंगी, या फिर अगर बात करें 60, 65 को लेकर यहाँ से फैसला देखने के लिए मिलेगा। तो इसके बारे में जो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर देखने के लिए मिला था वो ये था कि 60-65 पे 146,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं। अब ऐसे में जब 40-45 की बात की जाएगी तो यहाँ पे अभ्यर्थी उससे भी डबल हो जाएंगे। तो ऐसे में फिलहाल जो अभ्यर्थी इस चीज़ को लेकर परेशान है या फिर सोशल मीडिया पे ऐसी जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिलती है तो बिल्कुल आपको चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा, फैसले के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि मामला और जब तक दोस्तों फाइनल जजमेंट नहीं आ जाएगा तब तक कहीं ना कहीं दोस्तों समस्या ऐसी ही देखने के मिलेगी। सोशल मीडिया पर आपको कुछ भी बताया जाएगा, किसी की तरफ से भी आपको बताया जाता है कि फैसला इधर आ रहा, चाहे वो BEd की बात करते हैं, BEd के बारे में समय समय पर हमें बहस देखने के
लिए मिली थी और जज साहब की तरफ से टिप्पणियां भी की गई थी, बार बार कहा गया था कि विचार नहीं किया जाएगा। तो जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता तब तक किसी बातों को समझ करके, किसी बात को सुन करके इसका अंदाज़ा लगा लेना कि फैसला ये रहने वाला है, वो भी दोस्तों अंतिम नहीं रहेगा जब तक फाइनल जजमेंट हमारे सामने नहीं आ जाता है। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपसी को बार बार समझाता हूँ कि अगर तथ्यों के आधार पर आप चीज़ों को समझें, डबल बेंच का जो हमें आदेश देखने के लिए मिला है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जो ऑर्डर्स है वो लगाए गए हैं, जिसके आधार पर जज साहब की तरफ से कट ऑफ 60-65 रखा गया है, क्योंकि वहाँ से 40-45 को हटा दिया गया था डबल बेंच ने। अब ऐसे मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है तो फिलहाल आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि फैसला किधर आने वाला है किधर नहीं आने वाला है, क्योंकि सुनवाई आप सुने अच्छे तरीके से देखी है। बाकी दोस्तों अगर बात करें 37 या 339 सीटों को लेकर, इसके बारे में अभ्यर्थी के मन में सवाल यहाँ देखने के लिए मिलता है, क्या सीटें ऐसे रिजर्व रहेंगी पहले रखी गई थी? तो इस सवाल को हमने बहुत पहले आपके सामने क्लियर कर दिया गया था जब बीएड मुद्दे पहली बार सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जज साहब की तरफ से ये कहा गया था कि सिर्फ अंतिम फैसले तक, जो मतलब अंतिम फैसला जो आएगा तब तक इंतजार किया जा रहा है, जिस दिन अंतिम फैसला आ जाएगा उस दिन 37 या 339 सीटों का निस्तारण कर दिया जाएगा। हम कह सकते हैं कि सरकार को ये कहा गया था कि इतनी सीटों को आप हटा करके अपनी भर्ती प्रक्रिया को पूरा करा लो, लेकिन सरकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि आपको पता है जब यहाँ से 40,000 सीटों को निकाल दोगे तो 30,000 में किसको सिलेक्ट करोगे, ओबीसी को, जनरल को, या फिर अगर बात करें SC ST को? तो इसीलिए यहाँ पर दोस्तों जो भर्ती प्रक्रिया वो लटक गई थी। तो जिस अभ्यर्थी के मन में सवाल देखने के लिए मिलता है 37,000 सीटों वाला, वो बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, ये 37,000 सीटों का जो मामला है जिस दिन दोस्तों कट ऑफ फाइनल होगी उस दिन दोस्तों आपको बिल्कुल फाइनल देखने के लिए मिल जाएगा, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सीटें उनके लिए रिजर्व की गई हैं। ये तो दोस्तों बात हुई थी कट ऑफ 60-65 साथ में दोस्तों रिजर्व सीटों के बारे में। वही दूसरा सवाल 22,000 सीटों को लेकर अभ्यर्थी लगातार पूछते रहते हैं, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर तमाम मुद्दे फाइल किए गए, चाहे वो भारंग का मुद्दा रहा हो, या फिर दोस्तों अगर बात करें बीएड का मुद्दा, या फिर दोस्तों बात करें 22,000 सीटों का मुद्दा, लेकिन ऐसे में बीएड मुद्दे पर हमें बहस देखने के लिए मिली थी और कट ऑफ मुद्दे पर भी बहस हुई थी, लेकिन यहाँ पर जो 22,000 सीटों का मुद्दा था या भारंग का मुद्दा था इस पर कोई खास बहस नहीं हो पाई है, खासकर दोस्तों 22,000 सीटों के मुद्दे को लेकर। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी पूछे कि 22,000 सीटों का क्या होगा, रिटर्न सबमिशन के अंदर हो सकता है दोस्तों इसको लेकर बहस की गई हो, लेकिन सरकार की तरफ से तो नहीं की गई है, क्योंकि सरकार तो चाहती नहीं 22,000 सीटें रखी जाए, अभ्यर्थियों की तरफ से याचिका फाइल की गई थी। तो ऐसे में दोस्तों उस पर कितना ध्यान दिया जाएगा, अगर नहीं ध्यान दिया जा सकता है तो ऐसे में यह भी रह सकता है कि यहां पर दोबारा से याचिका फाइल करके 22,000 सीटों के मामले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई करवाई जाए। तो ऐसे में दोस्तों आपको यह भी देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि 22,000 सीटों पर कोई खास सुनवाई नहीं हुई थी, लेकिन यहां पर बहस के बाद में अगर बात करें लिखित सबमिशन के अंदर ये पॉइंट रखे जाएंगे 22,000 सीटों को लेकर, तो आपको कोई फैसला देखने के लिए मिल, क्योंकि जो 22,000 सीटों का मुद्दा है या फिर दोस्तों भारत का मुद्दा है, इस पर सरकार को जवाब देना है। सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि 22,000 सीटें जोड़ी जाएं, लेकिन ऐसे में जिन अभ्यर्थियों तरफ से याचिका दाखिल की गई है उनकी तरफ से कौन से पॉइंट रखे गए होंगे, उस चीज़ को आपको ये भी समझना पड़ेगा कि थर्ड पार्टी को ज़्यादा समय भी बोलने का नहीं दिया गया था। तो ऐसे में रिटर्न सबमिशन के अंदर 22,000 सीटों पर अगर कोई फैसला होता है तो वही आपको देखने मिलेगा, अदरवाइज दोस्तों आपको अलग से भी सुनवाई देखने के लिए मिलेगी आगामी समय के अंदर, ये भी दोस्तों आपको अपडेट प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये तो लगभग बात हो जाती है 69,000 के सभी मुद्दों को लेकर, ऐसे में फिलहाल कोई भी मुद्दा नहीं रहा होगा जो कि मैंने दोस्तों आपको नहीं बताया, चाहे वो 4% वाला मुद्दा हो, 20% वाला मुद्दा हो, ओवरलैपिंग EWS वाले मुद्दे को लेकर। हालांकि अभी तक इनकी सुनवाई की तारीख निर्धारित नहीं है, सिर्फ 2 की सुनवाई की तारीख निर्धारित है, वो उत्तर कुंजी मामला है, पेपर रद्द का मामला है, जो कि 6 अगस्त को सुना जाएगा। उत्तर कुंजी के बारे में अभ्यर्थी लगातार पूछते रहते हैं कि यहाँ पर नंबर बढ़ने की संभावना है या नहीं। मैं उनको कहना चाहूँगा कि सिंगल बेंच और डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप सभी देख चुके हैं, तो जब तक पहली सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक फिलहाल आप सभी इंतजार करें नंबर बढ़ने को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं अभ्यर्थी काफी ज्यादा बाद में परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। तो पहली सुनवाई के बाद काफी कुछ आपको हो जाएगा, उसी के बाद में उस भर्ती की जो आगे की प्रक्रिया वो भी आपको पता चल जाएगी, आंसर की के अंदर क्या क्या रह सकता है। तो फिलहाल जब तक आंसर की के अंदर पहली सुनवाई नहीं होती है तब तक यहाँ पे आपको इंतजार करना पड़ेगा। बाकी जो भी जैसी भी अपडेट होगी लगातार आपसी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपसी को लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते हैं। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।